लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये गुलाब किस लिए? मैं चाहता हूँ कि तू इसका गुलकंद बनाए। What? एक लड़का एक लड़की को फूल क्यों देती है? Because I love you, Rhea. I don't believe you. Hey, क्यों? Hello. Hey, Rhea. Why don't you believe me? क्योंकि तुम NRI हो, non reliable Indian. Right? Huh? What? Hey, तो okay. तो तुम्हें prove करने के लिए मुझे क्या करनी होगी? Test देनी होगी. Test? मैं पूरा semester देने को तैयार हूँ. Sure. Sure. तो फिर चलो मेरे साथ. हाँ, चलो. Oh man, Rhea. ये कहाँ ले आया तू मुझे? हाँ? ये क्या है? लव मॉन्स्टर। लोग इसके मुंह में अपना हाथ डालते हैं और अगर उनका प्यार सच्चा ना हो तो क्या होती है? तो हाथ फंस जाता है और कट जाता है। हाथ कट जाती है? यस। चलो अपना हाथ डालो। लेडीज फर्स्ट। मैं? हाँ हाँ, तुम्हारा भी टेस्ट, लेडीज फर्स्ट। ओके। मैं मन को सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। अब तुम्हारी बारी। या कम ऑन। या 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 चलो। या 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 मैं रिया को सच्चे दिल से मेरी प्यार भी सच ही है रिया। यू रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आई एम जस्ट जोकिंग, रिलैक्स, जस्ट जोकिंग। मनु, वो इंटरनेशनल कैंपेन के लिए एक हफ्ता रखा है ना? या वो मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ में वो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे नीलिमा जी आइए ना। वैसे आप अच्छी। नमस्ते भारती जी। आप जो हमारी ममता फाउंडेशन को डोनेशन देती हैं, उसकी वजह से बहुत से बच्चों को एजुकेशन मिल रही है और बहुत सी बेरोजगार औरतों को भी काम मिल रहा है, इसलिए हम अपनी तरफ से आपको ये तोहफा देना चाहते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। नमस्कार। वाओ नानी, दिस इज ब्यूटीफुल, इट्स रियली नाइस, इजंट इट? क्या हो नानी? मन, मुझे खोई हुई भारती तो मिल गई, लेकिन साथ रहकर भी जो खो गया है वो परिवार। मिलेगा चुन्नी, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा और अपने परिवार वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड टफ लव, टफ लव। He's right, नानी, he's right. तुझे मदर मैरी से माँ दुर्गा बननी पड़ेगी। माँ दुर्गा। पता था ये शहर का भाव बढ़ेगा ही पड़ेगा। हे सरप्राइज मामू, कैसी है? कुछ नहीं, मूड खराब है मेरा। हाँ, क्या हुई? लोगों का फायदा करवाता हूँ, खुद इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। इतने कमाल की टिप मिली है मन मुझे कि अगर मुझे बड़ा लोन मिल जाए ना तो रातों रात करोड़पति बन जाऊं। अरे अगर लोन चाहिए तो अपने मॉम से मांग ले। मॉम देगी लोन? अरे तेरा मॉम शहर का सारा गरीबों का हेल्प करता है, तो क्या अपने घर की एक भिखारी की हेल्प नहीं करेगी? करे। What? अपने घर की एक गरीब की हेल्प नहीं करेगी? अपने बैठे की? करेगी। Mom's an emotional fool. You're right. गुड इवनिंग मॉम, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा, हाँ बैठो बेटा। अरे बोलो बेटा। हाँ।
मॉम आटा गूंदो। आटा नहीं, लात मारूं? लात क्या हो गया उसको? नहीं हम हाँ मॉम आप थक गई होंगी, आपके पैर दबा दूं? क्या तुम मेरे पैर दबाएगा? क्यों, एक बेटा अपनी माँ के पैर नहीं दबा सकता? वाह मामू वाह, तू ये कलयुग की रावण। What? चावण, कलयुग की शावण। नानी बहुत खुश है मामू, मांग ले तुझे जो मांगनी है मांग ले। अच्छा बस बेटा। हाँ मॉम, मुझे ना शेयर मार्केट से एक अच्छी सी टिप मिली है, इन्वेस्ट करूंगा ना तो 10 गुना रिटर्न मिलेगा। अच्छा हाँ। तुझे कितने पैसे चाहिए बेटा? ज्यादा नहीं मॉम, बस 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ। चलो दिए। okay. लेकिन इसका क्या गारंटी कि तू हमको ये पैसे लौटा देगा? मॉम मैं अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार हूँ। नहीं डोंट वरी मामू, खून तो हम बाद में चूस लेंगे। फिलहाल तो सिर्फ तू स्याही से लिख करके दे दे कि 15 दिन के अंदर अंदर तू ये पैसे हमको लौटा दे। राइट डियर मामू। चलो ये एग्रीमेंट पे साइन कर दे। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। और पोस्ट डेटेड चेक? हाँ मैं अपने साथ लेकर आया हूँ ना मॉम, ये लीजिए। थैंक यू मॉम, थैंक यू। नानी तेरी तीर एकदम निशाने पर लगी है। डूब गया सुकेतु, तू डूब गया, बिना टाइटैनिक में बैठे डूब गया। मॉम आप यहाँ? आना ही पड़ा बेटा, ये क्या है? चेक है। हाँ चेक है जो बाउंस हो गया है। अच्छा मेरे पैसे कहाँ हैं सुकेतु? अब वो अच्छी टिप लेकर इन्वेस्ट किए थे पर टिप भी तुम्हारी तरफ फ्लॉप हो गई है ना? मॉम लौटा दूंगा ना पैसे। और अगर नहीं लौटाए तो क्या करोगी? केस करोगी मुझ पे? जेल भिजवाओगी? Not a bad idea. Huh? Man, zara police station phone lagana beta. Already laga diya nani. That's my boy. What? Mom, you can't do this to me. I just did. I know. Hello, LC Road police station. Ji, ek criminal hai. Ji, uska naam Mamu hai. Sorry, Suketu Mamu. No, let me. Ek minute, wo baat karenge. Hello, hey, no, but this is. Oh, sorry, I thought wo baat karenge. To kahan pahunche? Aap gaadi bhejenge, hum gaadi leke aaye. Mom, please, mujhe jail mein mat daliye, mom, please. Hey, par Mamu, ye to teri idea thi na? चलिए इंस्पेक्टर साहब कंप्लेन लिखवाइए। मम्मी जी, मम्मी जी, आप अपने ही बेटे के खिलाफ कंप्लेन कर रही हैं, शर्म नहीं आती? ये लो, राखी सावंत शर्मिला टैगोर को शर्म के पाठ पढ़ा रही है। शट अप! आप सुकेतु की माँ हैं, उसके बुरे वक्त में मेरी तरह आपको भी उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। ओह बोलिए गुप्ता जी, कहिए ना। सच? मैं नहीं मानती, मैं अभी आती हूँ। आस्था तुम कहाँ जा रही हो? सुकेतु गुप्ता जी का फोन है, SRK के ऑपोजिट मुझे हीरोइन का रोल मिल गया है, अभी लुकते से मुझे जाना पड़ेगा। हाँ है मामी, पर तू तो अभी बोला बुरे वक्त में तू मामा के साथ खड़ा रहेगा। अरे अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो फिल्म निकल जाएगी। हाँ गुप्ता जी मैं निकल गई हूँ, मैं टैक्सी में हूँ, मैं बस आ गई गुप्ता जी। आस्था मम्मी जी प्लीज हैंडल हिम। आस्था आस्था भारती, ये क्या लगा रखा है तुमने? सुकेतु को जेल में डलवा दिया, क्या कसूर है इस बेचारे का? इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे जो अभी तक लौटाए नहीं। तो माँ होकर बेटे को जेल में डालोगी? अरे मदर इंडिया में तो माँ ने अपने बेटे को गोली मार दी थी, मैंने तो सिर्फ इसे जेल में डाला है। ओ शट अप, कितने पैसे उधार लिए थे इसने? मैं अभी चेक देकर तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। हाँ लिख ना लू, लिख 1 करोड़ का चेक लिख और मार हमारे मुंह पे। 1 करोड़? क्या ओनली 1 करोड़? हरामखोर, तूने 1 करोड़ रुपए फूंक डाले। 25-50 हजार होते तो तुझे छुड़ा भी लेता इडियट। हे नानू, तेरी इज्जत सिर्फ 25-50 हजार की है? ओ शट अप, जस्ट आस्किंग। भारती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सक्सेस तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है। अरे ये खून है अपना। अपना खून है तो क्या जिंदगी भर हमारा खून पीते रहेंगे ये लोग? जो गलती करेगा वो भुगतेगा, और अगर इसने गलती की है तो भुगतने दीजिए ना इसे,
और वैसे भी आपका क्लब जाने का वक्त हो गया ना, आप जाइए ऐश कीजिए या तो फिर कैश दीजिए। पापा पापा ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। चले भैया क्या आंखें फाड़ के देख रहा है? ये जेल है, तेरी माँ का घर नहीं कि मक्खन वाले पराठे आएंगे, चुपचाप खा ले, समझा क्या? सुकी तू भी एक क्या कर रही हो मॉम? इरिटेट मत करो, तुम्हें पता है ना कि मक्खन वाले पराठे मैं नहीं खाता, मेरे लिए सूप और सैलेड लेकर आओ। चल बाहर निकल, तेरी माँ ने कंप्लेंट वापस ले ली है। अभी भी सोच रहे नानी, इस चीटर को छुड़वानी है तुझे? मन मैंने इसे 9 महीने अपने कोख में रखा, अपना खून देकर सींचा है मैंने इसे, अगर इसने इस बात का भी सिला नहीं दिया और मेरे साथ चीटिंग की तो ये 1 करोड़ का धोखा तो बहुत मामूली सी बात है बेटा, छुड़वा दे उसे। मां तू ठीक कहती थी, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, तू जेल में रहेगा तो ये तेरी सजा नहीं, मेरी सजा होगी। मां साहब आ गए? हाँ आ गए मैम, शॉट भी रेडी है, चलिए। हाँ हाँ चलो चलो। शूटिंग के पहले दिन ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। नानी, मामी भी इधर है। अरे मामी तू भी यहाँ शूटिंग कर रहा है, नानी का भी यहाँ ऐड का शूट है। पर मेरा तो फिल्म का शूट है, मैं छोटे मोटे ऐड फिल्म्स नहीं करती। ऑल द वेरी बेस्ट बहू। थैंक यू मम्मी जी। यू आर मोर देन वेलकम। प्लीज डू नॉट मेंशन मम्मी जी। अब मैं भी स्टार बन जाऊंगी, स्टार। मेरा शॉट रेडी है, प्लीज एक्सक्यूज मी। स्टार बन जाऊंगी, स्टार। चुप। स्टार। बदमाश। अबे वो गधे। यस सर। हिरन को शॉट समझा दिया? हाँ सर समझा दिया। डायरेक्टर साहब मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, आप सीन करिए ना। वैसे भी मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ। वन टेक आर्टिस्ट है? चबा या खान साहब को बुला। यस सर। इडियट। टेक। खान साहब, शाहरुख खान साहब, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, वो आकर कहेंगे अपनी आंखें खोलो किरण। ओह माय गॉड, वो आ गए। अपनी आंखें खोलो कक किरण। क्या हुआ? ये कौन है? टीआरके तुरंत खान, अपने फिल्म का हीरो। चीटिंग है, मुझे कहा गया था इस फिल्म का हीरो एसआरके है, पर ये तो डुप्लीकेट है,
मैडम बॉलीवुड में हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओरिजिनल एसआरके के साथ फिल्म बनाने का सपना लेकर आता है और डुप्लीकेट पे सेटल हो जाता है। पर मुझे तो कहा गया था ओरिजिनल एसआरके है, फिर मैं डुप्लीकेट के साथ कैसे करूं? अरे कहा तो मुझे भी गया था कि इस फिल्म की हीरोइन कैटरीना और करीना होगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहा हूँ ना, अगर तुझे काम करना है तो चल निकल यहाँ से निकल। आप तो नाराज हो गए मिस्टर डुप्लीकेट। आई मीन तुर्रम खान जी, मैं भी एडजस्ट कर लूंगी। हरी मिर्च प्रोडक्शंस, सिंदूर या कलंक, सीन वन शॉट वन टेक वन एक्शन। एक चुटकी की कीमत आप क्या जानो कमल बाबू। करेक्ट। सिंदूर का है सर? यहाँ है वो, दिख रहा है। डायलॉग वाला का है? सॉरी भूल गई सर। चलो वन मोर टेक टू एक्शन। एक सिंदूर की कीमत आप क्या जानो कमल बाबू। सिंदूर तो आ गया, चुटकी कहाँ गई? चुटकी सर पिछले टेक में बोला था ना चुटकी, तो इस टेक में कौन बोल गया? मेरा बाप। सर आपके बाप क्यों बोलेंगे, मैं ही बोल देती हूँ। तो बोलो ना मनमोर मनमोर टेक इट एक्शन। एक चुटकी एक सिंदूर, एक चुटकी एक सिंदूर की एक कीमत। अरे एक छापड़ एक घुसा एक लात से कोई तो मारो यार। सॉरी सर एक और एक अठारह एक्शन। एक मटकी सिंदूर की कीमत। अरे मटकी नहीं रे चुटकी चुटकी टेक बाईस मटकी एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो गुलाब बाबू। ये गुलाब कहाँ से है यार? ये गुलाब कहाँ से है? गुलाब बाबू नहीं है, कमल बाबू है। कमल बाबू लोटस लोटस झट साला टेक पैंतीस। अच्छा एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो लोटस बाबू। लोटस नहीं है मेरी माँ, कमल बाबू है। कमल बाबू। अरे लोटस नहीं क्या है? कमल बाबू टेक 49 49 49। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो कमल साबू। साबू अरे सब बना दिया इसने मुझे, सब बना दिया। अरे ये तो बिना साबू मेरे करियर को धो डालने वाली है। सर सर वन लास्ट टेक सर। टेक 64 एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो जानो माउंट आबू। अरे इस जप्पर को कौन आया? चार घंटे से एक डायलॉग नहीं बोल पा रही है। तेरे बाप ने कभी एक्टिंग की है? किया है कभी? अरे इसे उठा के बाहर फेंको, फेंको इसे बाहर। बस कीजिए भारती मैम। ये कोई तरीका है एक औरत से बात करने का? मैडम क्या बताओ, चार घंटे से बजा रही है दिमाग का घंटा। आप पैकअप मत कीजिए, हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए। वो वापस आकर शॉट देगी और अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो आज की शूटिंग का खर्चा मैं दूंगी। बहू मेरी तरफ देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। You can do this, बेटा। क्या? मम्मी जी मुझसे नहीं होगा। इतना humiliation, इतना अपमान सहने के बाद मैं acting नहीं कर सकती। मामी, तुम इतनी सी humiliation के बाद acting नहीं कर सकते? और नानी तो तुम लोगों का बरसों से humiliation सहने के बाद भी तुम लोगों के लिए सब कुछ करता रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम सबसे बे इंतहा प्यार करता है। बहू तुम अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम कैसे तुमसे प्यार करता है। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा।
डायरेक्टर साहब अब ये शॉट देने के लिए तैयार है, जा बहु। टेक 65। एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो कमल बाबू, आपने तो हमेशा औरतों को अपने पैर की जूती समझा है। आप जाओ अपने उस गुनाहों की दुनिया में, पर मैं अपने बच्चों पर आपका साया तक पड़ने नहीं दूंगी। मैं उन्हें खुद पाल पोस कर बड़ा करूंगी। आप चले जाओ कमल बाबू, चले जाओ। Fantastic! 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 सर, ये क्या कर रहे हो? अरे आप तो बहुत बड़ी कलाकार हो, आपकी कदम में मुझे थोड़ी दे रहे दो। क्या बात, अरे कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। लड़की में कुछ बात है, हीरोइन बनेगी। अरे यार पता है, चल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आठ बज गए, ये उठ जाएंगे। मैं चाय रख देती हूँ। अरे आस्था, ये क्या कर रही हो बेटा? चाय मैं बनाऊंगी मम्मी जी। लेकिन आस्था तुम आज तक हम सबके लिए आपने बहुत कुछ कर लिया मम्मी जी, घर के लिए मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। लेकिन बेटा आज तो तुम्हारी शूटिंग भी है ना। अगर आपने शूटिंग के साथ साथ घर नहीं संभाला होता तो ये घर बेहाल हो जाता। अगर आप दोनों जिम्मेदारियां निभा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? एक बात बोलो मम्मी जी। बोलो बेटा। आज से 7 साल पहले जब मैं इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी, तब पहली और आखिरी बार मैंने आपके पांव छुए थे। मैं आज फिर आपके पांव छू सकती हूँ मम्मी जी? आस्था चाय। ये बाप बेटे दोनों को तो असम में पैदा होना चाहिए था। भारती चाय लाओ। अरे चाय लाओ ना। ला रही हूँ बाबा, दीजिए। यहीं रख दो, मैं खुद ले लूंगा। बेटा जरा टोस्ट देना। मैंने कहा ना मैं खुद ले लूंगा। अरे गार्गी कहाँ गई? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग दिया। कहीं बाहर जा रहे हो बेटा? हाँ, इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर समीर के पास लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। और आज शाम को हमने अपनी रिलेशनशिप अनाउंस करने के लिए एक पार्टी भी रखी है। आप सब लोग इनवाइटेड हैं? हाँ हाँ बेटे, आप जरूर आएंगे। दोस्तों, आप सबके लिए हमारा ये रिश्ता महज एक लिव इन रिलेशनशिप होगा, और मेरे लिए ये रिश्ता 7 जन्मों का बंधन है। गार्गी इज माई लाइफ, मेरी जिंदगी है गार्गी। Everything's all right, na? Yeah, I'm fine. Gargi!
गार्गी गार्गी क्या हो गया तुम्हें गार्गी? क्या हुआ गार्गी को क्या हुआ पता नहीं अचानक बेहोश हो गई है इसे अस्पताल ले चलो मेरे फ्रेंड को हॉस्पिटल है यहीं पास में वहीं लेके चलते हैं हां चलो गार्गी को जल्दी ले चलें प्लीज नानी लग रही है ना एकदम रियल हॉस्पिटल हमने फिल्म शूटिंग वालों से ली है वो सब तो ठीक है बेटा लेकिन गार्गी पिछले 6 घंटे से बेहोश है तूने कितनी गोलियां डाली थी उसके ड्रिंक में नानी तूने एक बोली थी मैंने जोश में आके 3 डाल दी क्या तुम मार के मुझे सच्ची खारजी वाह सुपर कूल गर्ग तो बढ़िया है लेकिन तुम लोग को डायलॉग याद है ना क्या बोलना है बम्बू ओ मेरे को तो सारे डायलॉग याद है चुन्नी जी लेकिन आप भूल गई कि मैं बम्बू नहीं डॉक्टर झंडू सिंह हूं यार ये मॉम मन गार्गी को होश आ गया है जल्दी चलो अरे बेबी बेबी यू आर फीलिंग ऑलराइट ना क्या हुआ मेरी बेटी को डॉक्टर साहब बढ़िया साहब आपकी बेटी को एक बहुत ही मनहूस और मायूस बीमारी हो गई है क्या मतलब इसके दोनों ब्रेन्स आई मीन इसके दोनों किडनियां फेल हो गई हैं जी डोंट वरी बेबी डोंट वरी एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट बढ़िया साहब आपकी बेटी की जान को खतरा है इनकी किडनी को ट्रांसफर आई मीन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा आप में से किसी को अपनी किडनी इनको डोनेट करनी पड़ेगी वक्त बहुत कम है मुझे देखना पड़ेगा कि किसकी किडनी इनके साथ मैच करती है लेट्स गो प्लीज फॉलो मी सब अपनी अपनी किडनी लेकर आ जाइए First donor, please. Next. 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 अरे चलना अंदर यार. अरे मैं. Next. जनु जनु तजम. जनु तजम तदित. यमराज आप क्या क्या कर रहे हैं? मिर्ची रन की शूटिंग कहाँ हो रही है मैं शूटिंग साथ वाले सेट पे हो रही है वहां जाओ ना ओके ओके नेक्स्ट जरा देता जब राज आ गया था डैड डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑलराइट मुबारक हो किडनी मैच हो गई यार किसकी मिस्टर समीर टंडन की आप इसे समीर टंडन कौन है Congratulations! Wow! Now that's real love. दिल से दिल मिली तो किडनी से किडनी कैसे नहीं मिलेगी? यार ये सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आप खुश नजर नहीं आ रहे। अच्छा आप इनकी हस्बैंड हो? नहीं बेल इनकी फुल टाइम हस्बैंड नहीं है, पार्ट टाइम हस्बैंड है। पार्ट टाइम हस्बैंड क्या होता है? बेल इनकी लिव इन पार्टनर है। अच्छा 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 मतलब ये गाड़ी के मालिक नहीं है ड्राइवर है बिना प्रीमियम की पॉलिसी है करवा चौथ नहीं भरवा चौथ है मंगलसूत्र नहीं कामसूत्र है क्या बोल रहे हैं आप I really like living relationships. प्यार है तो कटी पतंग खत्म हो गया तो फटी पतंग डॉक्टर साहब अभी आप बताएंगे कि इनकी करनी क्या है करनी क्या है यार इनका कलेजा मेरा मतलब इनकी किडनी बाहर निकालनी है बस और क्या come on, picky donor, come on. I'm sorry. Come on, kidney donor. इनको पकड़ के लाओ यार बड़े नर्वस लग रहे हैं ले आओ इनको कम कम मौसा जी कम समीर टंडन जी बाहर बाहर निकालो हाँ जी आप पूछो क्या पूछना है डॉक्टर साहब एक किडनी देने से क्या होगा गार्गी बच जाएगी और क्या होगा वो और मैं मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका भाई देखो एक स्कूटर होता है उसके दो पहिए होते हैं एक पहिया बाहर निकाल दो तो स्कूटर कैसे चलेगा खड़ 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 वैसे ही आपकी जिंदगी चलेगी खड़ 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 यार लेट जाना यार एक बात बताओ स्पोर्ट्स खेलते हो कौन सी वो फुटबॉल अब फुटबॉल सिर्फ मोबाइल पे खेलना ग्राउंड पे खेलना बंद क्यों भाई ग्राउंड में खेलोगे तो फुटबॉल जैसी सूजन आ जाएगी ना यार कहाँ वहाँ और लेट जा यार लेट जा डोंट वरी डॉक्टर साहब मेरी मर्दानगी का क्या होगा डॉक्टर साहब भाई मर्द नहीं सिर्फ एक दर्द बन के रह जाओगे डॉक्टर साहब हाँ जी आपने ये हार क्यों मंगवाया था भाई मैंने ये हार इसलिए मंगाया था कि अगर तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मुझे पहना देना और अगर नहीं हुआ तो हम इनको पहना देंगे यार मुझे नहीं पहनना कोई हार अरे समीर अरे मुझे जाने मुझे छोड़ दे समीर समीर सर मुझे ये कैसा चोर है ये तो समीर की आवाज है अरे छोड़ का बुरा मुझे नहीं देनी अपनी किडनी ये क्या हो रहा है भाटिया साहब ये लिव इन पार्टनर किडनी देने से मना कर रहा है यार सॉरी गार्गी मैं तुम्हें अपनी किडनी नहीं दे सकता व्हाट समीर मेरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी कारगी तुम्हें अपनी किडनी दूंगा तो मेरी लग जाएगी यार मैं ये रिस्क नहीं ले सकता अरे पर तूने तो पार्टी में बोला था मासी और तेरा साथ 7 जन्मों का है तूने मासी को दिल दिया है मौसा जी अरे दिल दिया तो क्या किडनी भी निकाल के दे दूं इसे कल पैनक्रियास मांगेगी परसों लिवर मांगेगी ये इसलिए मैं अब इस लिव इन रिलेशनशिप को यहीं लीव करके यहां से जा रहा हूं समीर यू कांट गो लाइक दिस
तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकते। कल मरती हो तो आज मर जाओ। समीर, निकल जाओ यहां से। जो जान देने की बात कर रहा था वही जान छुड़ा के भाग गया गार्गी। जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ वो तेरा कहां से होता? आज मैं अपनी नजरों में गिर गई। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, तुम तो बच गई। हाँ, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाती तो जरूर मरती। तंबू, व्हाट द हेल इज दिस? तुम लोगों ने गार्गी के साथ इतना बड़ा तमाशा किया, समीर को उसकी जिंदगी से निकालने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। नानू, झूठ बोली तभी तो सच्चाई सामने आई। भारती, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगी। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की मिस्टर आरके भाटिया। बिगड़े हुए बच्चों को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी एक बाप की यानी आपकी थी, मगर अफसोस ये फर्ज भी मुझे को निभाना पड़ा, एक मां को निभाना पड़ा। आपको पता है एक कवि जब अपनी कविता लिखता है तो उसके नीचे अपना नाम लिखता है, एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो वो भी उसके नीचे अपना नाम लिखता है। बस एक माँ ही है जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है और जन्म देते ही उसे बाप का नाम दे देती है। थैंक यू। You know, I'm so happy. नानी की लाइफ के 3 बंदर सुधर गई, अब बस नानू रह गई है। वो कभी नहीं सुधरेंगे तुम्हारी हिंदी की तरह। ओ, हिंदी से याद आया, मॉम ने मेरे लिए एक इंडियन लड़की चूज कर ली। मॉम ने लड़की चूज कर ली और तुमने हाँ कर दी? या? और मैं? तुम आना मेरी शादी में, मैं तुमको टिकट भेजेगी। तू मेरी शादी में नहीं आएगा कैसे चलेगी? क्या? हाँ, तेरे बिना मैं साथ फिर कैसे लेगी? सैमी, तू पूरी कबाब में हड्डी है क्या? सच्ची? मैं नानी को लेके अभी आती है। यस चुन्नी, तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड? अवार्ड? इंडियन विमेंस ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें अवार्ड दे रही है। व्हाट? ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल किसी एक ऐसी औरत को चुनती है जो किसी की प्रेरणा बनी हो, इंस्पिरेशन बनी हो। और भारती, आज तुम इस देश की हर औरत के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हो। इस उम्र में अपनी पहचान बनाकर तुमने लाखों औरतों को एक दिशा दी है, उनके लिए मिसाल कायम की है, और इसी बात के लिए तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। कंग्रेचुलेशंस। वाह नानी, सुपर्ब, आई एम सो एक्साइटेड। पूरा इंडिया देखेगा मेरी नानी को अवार्ड लेते हुए। सब कान्हा जी की कृपा है मन। चल मन, घर जाके तेरे नानू को ये खुशखबरी देते। वाह नानी, नानू ने तुझे इनवाइट नहीं की थी अपनी अवार्ड फंक्शन में, लेकिन तू। हां बेटा, हो सकता है कि तेरे नानू के लिए मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया। चल। यही प्रॉब्लम है भारत की हर एक भारतीय का। दुनिया की हर खुशी उन्हें अपने पति और परिवार के बिना अधूरी लगती है। चलो बेटा, चलो जाओ। सी यू सैमी। जाओ, ये लीजिए। आपको याद है ना आज शाम को फंक्शन है? किस बात का? अरे बाबा, मेरा अवार्ड फंक्शन है, मैंने पिछले हफ्ते तो बताया था ना आपको। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा, आई एम बिजी। सुनिए, आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम मुझे क्यों बुलाना चाहती हो, यही बताने के लिए ना कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मुझसे कितना आगे निकल गई हो। सबके सामने तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती हो। करी हेल्प।
मॉम। हाँ जी बेटा। मॉम। हाँ? आज के फंक्शन में आप ये साड़ी पहनिएगा। आप पर अच्छी लगेगी मॉम। क्यों आयो? झक मारने। क्या? हाँ? आज तक तू झक मारती है ये नानू, आज मैं झक मारने आई है। तुम्हीं से बात करो, ये मत भूलो कि तुम अपने नाना से बात कर रहे हो। सॉरी नानू, आज यहाँ एक ग्रैंडसन अपने नानू से बात करने नहीं आई है, आज मैं तुमसे मैन टू मैन टॉक करने आई है। नानू, तू जिंदगी भर अपनी वाइफ को अपनी पैर की जूती समझती रही और आज वो औरत तुझसे आगे निकल गई तो तेरे मेल ईगो को ठेस पहुंच गई, जल गई तेरी जान। अरे नानी तेरे जैसे 10 आरके को अपने जेब में रख सकती है पर आज भी तेरे कदमों में पिछी हुई है क्योंकि वो स्टूपिड औरत तुझसे प्यार करती है। और क्या बोली थी तू कि नानी ने तुझे 3 बच्चों का बाप बनाया, उतनी कॉन्ट्रीब्यूशन है नानी की तेरी लाइफ में? पर सच तो यह कि तेरी कॉन्ट्रीब्यूशन नानी की लाइफ में उतनी है कि तूने उसको 3 बच्चों की मां बनाया। दैट्स ऑल। आपको मर्द समझ दिया पर सच तो यह है कि जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। मन, अरे टू हेल विद मन। तू नानी को 40 साल से शून्य कहती रही पर सच तो यह है कि जिंदगी के गणित में नानी हमेशा 100 पे रहा और तू शून्य पे रहा। ब्लरी जीरो। So hold your breath, ladies and gentlemen, for the Women of Substance Award. Please welcome Mrs. Bharti Bhatia. Now, I would request the President of Indian Women's Organization, Mr. Rajiv Mehra, to hand over the award. Please. प्लीज दो शब्द बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वुमेन्स डे के अवसर पर मुझे अवार्ड दिया गया। मैं भारती भाटिया, जन्मी पटना के एक छोटे से कस्बे में, सबसे बड़ी बेटी थी घर की। पढ़ाई की जिम्मेदारी के साथ चूल्हा चक्की और भाई बहनों की जिम्मेदारी सर पर। कॉलेज गई, आगे पढ़ना चाहती थी, डिग्री हासिल करना चाहती थी पर हाथ में लग गई मेहंदी और आगे जिम्मेदारियां और ससुराल की चाबियां। बेटी, बहन, पत्नी और फिर मां। बच्चों के कल के लिए हर माँ की तरह मैंने भी अपना आज मिटा दिया। तीन बच्चे, पति की सफलता, घर को संभालते संभालते हाथों की मेहंदी कब बालों में आ गई पता ही नहीं चला। फिर एक दिन एक तूफान आया मेरे घर, मेरा नवासा मन, जिसने मेरा मन झिंझोड़ दिया। बालों पर लगी मेहंदी जीवन का अंत नहीं,
जीवन की शुरुआत भी हो सकती है, ये उसने मुझे सिखाया। आज मैं जहां खड़ी हूं वो इसकी समझ है, इसका एहसास है। मन जैसा एक बेटा, एक पति, एक भाई, एक पोता, एक नवासा हर घर में हो तो हर दिन वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मन। ये ऑनर उस शख्स के साथ बांटना चाहती हूं जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करती हूं, सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, मिस्टर आर के भाटिया, माय हस्बैंड। प्लीज स्टेज पे आइए ना। चाओ आर के, तुम्हारी वाइफ तुम्हें बुला रही है। प्लीज गो आर के, गो। कमाल है हमारे यहां की औरतें, हम चाहे उनके साथ जितनी बदसलूकी करें ये अपने पति को इज्जत देने से नहीं चूकती। आज भारती ने ये अवार्ड मेरे साथ शेयर करके मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया। ये औरत हमेशा हमारे रिश्ते को संजोती रही, खुद टूटती रही, पर हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दिया। पर मैंने इसकी कदर कभी नहीं की, हमेशा इसका अपमान ही किया। मुझे देखकर हमारे बच्चे भी भारती का अपमान करने लगे। आज मैंने रियलाइज किया है अगर पति पत्नी को सम्मान नहीं देगा तो हमारे बच्चे, घर वाले, समाज वाले कभी हमारी पत्नियों को सम्मान नहीं देंगे। आज सबके सामने मैं अपनी पत्नी से माफी मांगना चाहता हूं। भारती, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये क्या कह रहे हो? मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुझे माफ कर दो। और उसी दिन वापस जा रहे हो, कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी नानी का क्या होगा? अब नानू, तुझे नानी की फिक्र होने लगी है, that's good, हाँ? पर तुम इंडियन बुड्ढों का एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी बीवियों को I love you नहीं बोलती, but don't worry, वो सिखाने में next time आएगी, आऊंगा, right? Yeah, right. चलो, इसे एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं, चलो। नहीं, इसे एयरपोर्ट छोड़ने रिया जाएगी। God bless you, son. Nani. You guys. Bye. एक बात कहूं भारती? जी कहिए ना। I love you very much. क्या कर रहे हो?